पश्चिम बंगाल में दीदी का प्लान फेल। मोदी मैजिक के सामने पस्त हुई टीएमसी। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है। दीदी के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलते दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें बेहद अहम हैं। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें बंगाल की सीटों पर हैं। पिछले चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार टीएमसी को मात देते हुए दिख रही है। रिपब्लिक टीवी पीमाप के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 22 सीटें तो वहीं टीएमसी को मात्र 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में एनडीए को 21 से 25 सीटें और टीएमसी को मात्र 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। 4 जून को इन दावों की जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि आखिर इस बार बंगाल में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मात्रा में अपने सांसदों को संसद भेज रही है। इसी के साथ मालूम चलेगा कि क्या बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, क्या ममता बनर्जी की पार्टी वेस्ट बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहे भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के मुकाबले बंगाल में बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। जानकार इसके पीछे मोदी मैजिक और ममता दीदी का राज्य की जनता के बीच घटता प्रभाव बता रहे हैं। देखना होगा ये बंगाल की राजनीति में कैसे भूचाल लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त आपको बता दें विपक्ष कैसे बौखलाया हुआ। एग्जिट पोल के अनुमान पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया, ये कहा जा रहा है। अब अखिलेश यादव की ओर से चौकन्ना रहकर मतगणना करवाएं, ये कह रहे हैं सभी कार्यकर्ता। ईवीएम पर पैन ही नजर रखें। एग्जिट पोल के अनुमान पर अब रिएक्शन जो आ रहे हैं अखिलेश यादव को, ये बता रहे हैं कि ये एक तरह की वो बौखलाहट है जिसका जवाब अब नहीं है। एग्जिट पोल से पहले तो इन लोगों ने बहिष्कार किया, फिर उसके बाद इनको लगा नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसके बाद सामने आ गए, कहते हैं नहीं हम तो बात करेंगे। उसके बाद अब देखिए किस तरह से ये एक तरह से एग्जिट पोल पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। एग्जिट पोल को क्या विपक्ष नतीजा मान चुका है जो इस तरीके की एक बौखलाहट देखने को मिल रही है? ये एग्जिट पोल है जो एक अनुमान है, और उस अनुमान पर इतनी तिलमिलाहट और इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है?